हेलो, डाटा वेयरहाउस एंड डाटा माइनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अब हम देखेंगे डाटा माइनिंग की टेक्निक्स। सो स्टूडेंट्स, एज पर योर सिलेबस आपको सिर्फ इनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हर टेक्निक के बारे में। सो हम ऐसे करते हर वीडियो में एक टेक्निक को कवर करेंगे। सो मैं बेसिक रखूँगा पूरा वीडियो। अगर आपको इनकी डिटेल में देखना है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके देखना है, तो मैंने इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स के वीडियोस पहले ही बना रखे हैं। उनके लिंक्स मैं आपको नीचे दे दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो सबसे पहली डाटा माइनिंग की टेक्निक हम कवर कर रहे हैं वो है क्लस्टर डिटेक्शन। तो सबसे पहली बात जो क्लस्टरिंग के अंदर आती है वो ये कि ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप इसको नोट कर लीजिए दैट इट इज़ एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब होता है दैट वी डोंट नो द क्लास ऑफ द लेबल्स, वी डोंट नो द क्लास लेबल्स। बेसिकली क्लस्टरिंग क्या है? क्लस्टरिंग होता है ग्रुप्स फॉर्म करना। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि लेट अस से मेरे पास दो क्लस्टर हैं, ये एक C1 और एक C2, और मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स का क्लस्टर बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2 क्लस्टर C1 के अंदर आ रहे हैं, स्टूडेंट नंबर 4 और 5 क्लस्टर C2 के अंदर आ रहे हैं। तो अगर मैं जब ये ग्रुप बनाना शुरू कर रहा हूँ और मुझे लेबल्स नहीं पता कि कौन कौन से क्लस्टर होंगे, जैसे मैंने कहा C1 C2, तो मैं कहूँगा कि ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। एंड वी ऑल्सो डोंट नो द नंबर ऑफ लेबल्स, और हमें यह भी नहीं पता कि हमारे पास कितने ग्रुप बनेंगे, तब हम कहते हैं कि ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। तो क्लस्टरिंग जो है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जांपल है। सो इट इज एन इज अर्लीस्ट डाटा माइनिंग टेक्निक, सबसे शुरू की डाटा माइनिंग टेक्निक्स में से एक है, और इसका मतलब होता है फॉर्मिंग ग्रुप्स, ठीक है। अभी करता क्या है, इन दिस द एल्गो सर्चेस फॉर ग्रुप्स और क्लस्टर्स ऑफ डाटा एलिमेंट्स डेट आर सिमिलर टू वन अनदर। तो ऐसे डाटा एलिमेंट्स जो एक दूसरे से सिमिलर हैं उनको एक ग्रुप के अंदर डालना। और इसका एक एग्जांपल है, एक क्लासिकल एग्जांपल है क्लस्टरिंग का, वो है K-means क्लस्टरिंग। सो इसी के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप उसका वीडियो लिंक देख लीजिएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम क्लस्टर बना सकते हैं। तो लेट अस से मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा है, ठीक है। सो मैं 4 स्टूडेंट्स का डेटा ले रहा हूँ, सब्जेक्ट के कोड्स ले रहा हूँ 01 लेट अस से 02 03 04, और उन सब्जेक्ट्स में इनके जो मार्क्स आए हैं वो लिख देता हूँ 85 78 75 एंड 83। अब क्लस्टरिंग क्या है? बेसिकली क्लस्टरिंग है सिमिलर डाटा आइटम्स को एक क्लस्टर के अंदर रखना, ठीक है। तो उसको करने के लिए जो मेथड्स हैं वो क्या क्या यूज़ होते हैं वो भी हम देखेंगे, और एग्जांपल में आप वीडियो लिंक से देख सकते हैं। सो लेट अस से कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक हमने ग्राफ बना लिया। तो जो डाटा पॉइंट्स है मेरे पास, जैसे जो 75 और 78 हैं, दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, और 83 और 85 वेरी नियर टू ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, हम दो क्लस्टर बना लेंगे जो पास पास में है। तो एक क्लस्टर मैंने ये बना दिया, लेट अस से क्लस्टर C1, इसके अंदर कौन कौन से 75 और 78 मार्क्स वाला डाटा, और एक क्लस्टर मैंने बना दिया ये वाला लेट अस से C2, और इसके अंदर कौन कौन से 83 एंड 85। अब होता कैसे कि हमने एक बार तो एक क्लस्टर बना ली जो पास पास में उनको बना लिया। अब सपोज एक नया डाटा आया जिसके अंदर मार्क्स थे फॉर एग्ज़ाम्पल 81। अब मुझे इस डेटा को, न्यू डेटा आइटम को, इन दोनों में से किसी एक क्लस्टर के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए कि किस में ऐड होगा, वी हैव डिफरेंट डिस्टेंस मेजर्स जिनको यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि जो नया डेटा आइटम आ रहा है उसको अब हम किस क्लस्टर के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। सो होता है क्या है कि सपोज हम इसका सेंट्रॉइड निकाल लेंगे और इसका भी सेंट्रॉइड निकाल लेंगे,
देन इस डाटा आइटम से हम दोनों के सेंट्रोइड का डिस्टेंस मेजर करेंगे और जिसका मेजर कम आएगा हम उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। एक तरीका तो सिंपल ही है। अब जो डिफरेंट डिस्टेंस मेजर हम यूज़ करते हैं उनमें से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और फेमस है वो है यूक्लिडियन डिस्टेंस। और जो इसका फॉर्मूला है वो होता है एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर का अंडर रूट। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस और ये इंपॉर्टेंट है और मैंने न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया उसमें आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था बेसिक क्लस्टरिंग के बारे में। क्लस्टरिंग क्या होती है, कैसे हम क्लस्टर क्रिएट करते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग हम इसको क्यों बोलते हैं, अब देखते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं क्लस्टरिंग को यूज़ करने के। सो लेट अस सी सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लस्टरिंग। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है क्लस्टरिंग को यूज़ करने का वो है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। सो नॉट अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। जो भी नया डाटा आइटम आएगा उसको हम सिंपली किसी एक क्लस्टर के अंदर ऐड कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस मेजर। ठीक है, देन सेकंड इज वी डोंट नीड टू वरी अबाउट द साइंस कि नेगेटिव है पॉजिटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नो नीड टू वरी अबाउट साइंस। देन द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंप्यूटेशन प्रोसेस इज वेरी सिंपल एज इट requires basic mathematics. So computation process is very simple. ठीक है, बहुत simple computation process है, simple mathematics है, आप normal अपने pen paper को use करके भी कर सकते हो। So this is the basic introduction of clustering. So in this we have till now seen what is clustering and how it is used. The last topic of this video is application of clustering. Clustering की कौन कौन सी applications है, कहाँ कहाँ पर use होता है वो और देख लेते हैं एक बार। So clustering का use हम करते हैं बहुत सारी industries में होता है, जैसे कि medicine के अंदर use होता है, medical industry के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, we establish a taxonomy of disease and cure. Establish taxonomy of disease, cure and symptoms. So easily हम एक taxonomy create कर सकते हैं with the help of clustering technique. Then second application is in World Wide Web, that is www. इसमें हम क्या करते हैं, we recognize social network communities easily. मतलब दो यूज़र्स का एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख के हम उसको कोई एक कम्युनिटी के अंदर सजेस्ट कर सकते हैं कि डेट यू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। थर्ड एप्लीकेशन इज सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होता है, अर्थक्वेक की स्टडी करना। सो इट इज़ यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक का एपिसेंटर पता करने के काम में भी क्लस्टरिंग का यूज़ किया जाता है। And the fourth and the most important application is business marketing. देखो basically जितनी भी data mining techniques हैं they are most helpful in the business world. Business marketing में कैसे होता है, it is used to find the targeted customers. ऐसे customers को identify करना जिसको हम एक particular टाइप का प्रोडक्ट बेच सकें। सो टारगेटेड कस्टमर्स की फाइंडिंग करने के काम में आती है क्लस्टरिंग टेक्निक। सो चार एप्लीकेशन देखी, मेडिकल में, वर्ल्ड वाइड वेब में, सिस्मोलॉजी, देन बिजनेस एंड मार्केटिंग। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।